कि चंदा चोरी में प्रमुख हाथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, उनके नेताओं का है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चंदा चोरी की वजह से प्रभु श्री राम के मंदिर की गति रुकी हुई है। मैं आज भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, 1.5 वर्ष हो गए, ट्रस्ट के लोगों से पूछना चाहता हूं, 1.5 वर्ष हो गए, प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की कितनी ईंटें रखी गई, 1.5 वर्षों में कितना निर्माण हुआ अब तक? इसका मतलब आपकी मनसा भाजपाइयों, प्रभु श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाना नहीं है बल्कि चंदा चोरी करना है। अगर आज राम मंदिर के निर्माण में, उसकी गति में कोई रोक लग पा रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी की चंदा चोरी, ट्रस्ट के लोगों का भ्रष्टाचार। और इसलिए आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर पे कहना चाहती है, श्री राम जी का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए, और इन चंदा चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक जानकारी और शेयर करके, ये एक एरिया है, इस एरिया का नाम है प्रभु श्री रामचंद्र कोर्ट, कोर्ट रामचंद्र, और इस एरिया में 14,80,000 के मालियत की जमीन श्री जगदीश प्रसाद जी को महंत देवेंद्र प्रसाद जी से 14,80,000 की मालियत की जमीन 10 लाख रुपए में मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर के भतीजे दीप नारायण भाजपा के नेता को इसी एरिया में 35,60,000 की जमीन 20 लाख रुपए में मिल जाती है, और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 1,60,00,000 की जमीन 4 करोड़ में मिल जाती है, 3 गुना ज्यादा दाम। ये दो उसी एरिया की जमीन मालियत से कम पर दो लोगों को मिल जाती है, और ये जमीन ट्रस्ट की उसी एरिया में 1,60,00,000 की जमीन 4 करोड़ में मिलती है। तो भाजपा के नेता, ट्रस्ट के लोग प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए काम कर रहे हैं या चंदा चोरी के लिए काम कर रहे हैं? प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए काम कर रहे हैं या राम मंदिर के निर्माण में रोक लगाने के लिए काम कर रहे हैं? और अब यह पूरा देश जान चुका है कि श्री राम का मंदिर अगर नहीं बन पा रहा है तो उसका प्रमुख कारण है भाजपाइयों की और ट्रस्ट के लोगों की चंदा चोरी। 1.5 वर्षों में अगर तमाम संत महात्मा जिन्होंने अपना इस आंदोलन में योगदान दिया, आम आदमी पार्टी जो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, तमाम वो इस देश के लोग करोड़ों राम भक्त, उनके जिम्मे होता तो 1.5 वर्षों में प्रभु श्री राम का मंदिर काफी हद तक बन गया होता। लेकिन जिनका दिमाग चंदा चोरी में लगा है वो राम जी का मंदिर कैसे बनाएंगे? और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं नेतागिरी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, रामलला के मुख्य पुजारी
आदरणीय सत्येंद्र दास जी क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? राम मंदिर के मुख्य पक्षकार महंत धर्मदास जी क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? हनुमान गढ़ी के मुख्य पुजारी क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? और सबको छोड़ दीजिए, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? मैं इन सब के बयान आपको दिखाना चाहता हूं। अब इसमें संशय तो होगा ही, प्रत्येक जिसके सामने जाएगा कि 2 करोड़ की संपर्क सारे 18 करोड़ में खरीदी गई, इसमें औचित्य क्या रहा और कैसे उसी जमीन का जो 2 करोड़ की है वो 18.5 करोड़ में कैसी हो गई, इस यह संशय जो है वो तो बना रहेगा। इसका तो समाधान यही है कि इसकी जांच हो, कैसे वो हुआ और किस प्रकार से हुआ, और जो संपत्ति है ट्रस्ट के पास आई है वो संपत्ति सब रामलला की है। रामलला के नाम से ही सारे पैसे आए, मालिक स्वयं रामलला। रामलला के पैसे को दुरुपयोग करना ये किसी कीमत को उचित नहीं। ट्रस्ट का कहना है कि हमने ये बहुत पहले उन लोगों ने एग्रीमेंट कराया था, उस हिसाब से रेट लगा, मैं आज एग्रीमेंट करा रहा हूँ, इसके नाते आज के रेट है। लेकिन ये विषय नहीं है, विषय गंभीर है, आस्था का विषय है। हम लोगों ने 1-1 रुपया हिंदू जनमानस ने 1-1 रुपया दिया था कि भव्य दिव्य राम जन्मभूमि बने। अगर इसका बंदरबांट होता है, अगर बिचौलिए खाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके नाते आपके चैनल से मैं मांग करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, इसकी ईडी और सीबीआई जांच हो। अभी तक जहां भी जमीनें खरीदी गई है ट्रस्ट के लोगों ने, कहीं पर भी जमीन खरीदी है उस जमीन की बाकायदे जांच हो, और उस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर उस जांच में सत्ता है, इन लोगों ने घपला किया है, इनके ऊपर जो है ये पूरा पैसा वापसी हो, रिकवरी हो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तू मानते हैं मैं धोखाबाजी, यह भगवान के साथ या जितने भी समर्पण के पैसा आया, पुत्री के पैसा आया, चाहे दान के पैसा आया, सब भगवान के लिए आया, भगवान के नाम से आया, भगवान के मंदिर बनने के लिए दिया गया, जनता दिया या जनता के चढ़ोतरी, हनुमान जी के जो पहले से राम मंदिर के जो चढ़ोतरी है सब ट्रस्ट में ढुका दिए। यहाँ पर ट्रस्टी जे भी है, ये सब एक प्रकार के व्यापारिक विचारधारा के रूप में, या राम जन्मभूमि का पैसा दूसरे जगह कैसे जाएगा, कौन नियम से तुम ले गए, जाके बाद भी से डिजेशन रहे पूरा अयोध्या में। अब मैं कह रहा हूँ बाद डिजेशन में कहीं पर करोड़ों की जमीन बिका है, अगर 10 बीघा बिका तो उसका 1,00,000 के कीमत करता है, वह हद से हद वह जमीन 25-50 लाख की जमीन है जो करोड़ों में जो खा गए। तो ये आपने देखा शंकराचार्य जी का बयान, मुख्य पुजारी का बयान, मुख्य पक्षकार का बयान, सबका बयान आ गया। तो इसलिए इस देश के करोड़ों हिंदुओं की, तमाम लोगों की, तमाम जनमानस की ये भावना है
कि प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की भ्रष्टाचार और चोरी नहीं होनी चाहिए। इन लोगों की जांच करा के इनको जेल में डालना चाहिए और 16.5 करोड़ रुपए जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है इनसे वसूला जाना चाहिए। और बीजेपी के नेता देश के करोड़ों हिंदुओं से, दुनिया में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगे। इस चोरी के लिए सीधे तौर पे वो लोग जिम्मेदार हैं और इसीलिए सभी चैनल पे बैठ बैठ के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा विषय था जो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके अलावा आज इस पर कोई प्रश्न हो आपका तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हाँ हाँ इसको तो हम लोग जानते हैं कि राम मंदिर का ही सहारा लेकर के आज बीजेपी सत्ता में, केंद्र भी प्रदेश में, जो योगी जी हर बात में छोटी छोटी बातों पर एनएसए लगाते थे, आज वो चुप क्यों हैं? कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी इस पर अब तक कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिक स्टेटमेंट नहीं आया। आपको नहीं लगता कि बीजेपी इससे किनारा करते हुए नजर आ रही है या कटते हुए नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी शामिल है इस चंदा चोरी में, मैंने तो कहा आपसे ना, मैंने तो भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, उसके भतीजे, सारी डिटेल तो निकाल के रख दी मैंने। जब बीजेपी खुद चंदा चोरी में शामिल है तो कार्रवाई कैसे करेगी? सवाल तो ये है। सवाल यहाँ पर है, जिस भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड संघ के हाथ में है, ना तो मोहन बहादुर जी का कोई इस पर बयान आया, संघ के किसी बड़े नेता का बयान इस चंदा चोरी पर नहीं आया, क्या लगता है संघ और भाजपा के लोग मिलकर देश के 115 करोड़ हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं? देखिए, अभी तो जो तथ्य सामने आया मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मेयर, उसके भतीजे की संपत्ति और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खातों की जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ कागज के साथ ले रहा हूँ, 5 दिन से ज़्यादा समय हो गया, 6वां दिन हो गया, अभी तक कोई जाँच क्यों नहीं शुरू हुई, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई इन लोगों के ऊपर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चंदा चोरी में शामिल है, मैं कह तो रहा हूं आपसे। कल एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा कि संजय सिंह को अभी यहां पर आके राजनीति करना नहीं आता है, चंदा चोरी का नाम लेते हैं, भाजपा पे आरोप लगाते हैं, अभी उनको ये पता नहीं है कि राजनीति होती क्या है। कल एक मंत्री ने कहा था, कल तो भाई चंदा चोरी अगर राजनीति होती है तो ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी है। उनको अगर ऐसी राजनीति करनी है चंदा चोरी वाली तो मंत्री जी को मुबारक हो, चंदा चोरी कर। भाई जिसका नाम सामने आएगा हम उसको बोलेंगे ना, अभी जिसका नाम सामने आया, भाजपा के नेताओं का नाम सामने आया और ट्रस्ट का नाम सामने आया, आज की तारीख में वो ट्रस्ट के पदाधिकारी के रूप में जो उन्होंने किया है, मैंने उसकी बात कही। मेरा सिर्फ ये कहना है, जिन लोगों का नाम आया है उनका मैंने नाम रखा है, उनके संबंध में मैंने कहा इनकी जांच करा लो, पता चल जाएगा आपको। देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बयान आया, चिल्ला चिल्ला के उन लोगों ने कहा है मेरे ऊपर मानहान करेंगे, मेरे ऊपर मानहान करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कीजिए, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई कीजिए, जैसे जिससे मैं इन चंदा चोरों को बेनकाब कर सकूं। सारे कागजात मेरे पास हैं। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या मुख्यमंत्री जी क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के अपने आदमियों को फंसाने की कोशिश करेंगे आपके कहने पे? अब दुर्भाग्य से लोकतंत्र में अधिकार तो उन्हीं को मिला है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का, तो मांग किससे करें? मांग तो उन्हीं से करनी पड़ेगी ना। वो तो एक लंबी कहानी है, कई बार रिपीट कर चुका मैं। मैंने बोल तो दिया, 3 बार तो बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर और उसके भतीजे के खातों की और जो भी लोग इसमें शामिल हैं ट्रस्ट के लोग और बाकी लोग उनके खातों की जांच करा लो, पता